बुरहानपुर जिले में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां काटने वालों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, तो वहीं प्रशासन भी अब सख्त होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर कॉलोनाइजरों पर FIR करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी जगह जगह कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियां काट दी और मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। वहीं अगर बात करें इर्शाद नगर हनुमान नगर की, तो इन कृषि भूमि को काटकर कॉलोनी में तब्दील किया है, जिसके चलते प्लॉट धारकों में भारी आक्रोश है। वहीं शहर से लगी ग्राम पंचायत एमा गिफ्ट के आजाद नगर क्षेत्र में भी कृषि भूमि पर इर्शाद कॉलोनी नाम से एक कॉलोनी काटी गई है, जिसमें कॉलोनाइजरों ने बिजली पानी खेल का मैदान बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं नहीं दी है, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों ने मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। वहीं जब इस विषय में SDM पल्लवी पौराणिक से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जो भी जन सुनवाई या अलग से कोई शिकायत लेकर आया है, तो कॉलोनाइजरों पर गलत पाए जाने पर FIR दर्ज की जाएगी और आज ही दल बनाकर जांच करेंगे। इस तरह से देखा जाए कि बुरहानपुर में जो है अवैध कॉलोनी का जाल लगातार बिछता जा रहा है। यदि हम बात करें हनुमान नगर की, तो हनुमान नगर की जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ खबरें भी चलाई है और जन सुनवाई में भी लोग पहुंचे, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? शिकायत प्राप्त हुई है और से शिकायत की जांच करवाएंगे और नियमानुसार अगर शिकायत नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं, जो लोग नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको नोटिस भी जारी हो रहे हैं, उनकी जांच भी हो रही है और FIR भी हमने करवाई है और आगे भी हम नियमानुसार कार्रवाई करते रहेंगे। कल पहले प्लॉट बुक कराया था हनुमान नगर मोहम्मदपुरा में, उसके बाद में रजिस्ट्री किए 1.5 साल हो चुका है, अभी भी कोई सुविधाएं वहाँ नहीं है। मेरा लोन हो चुका है, बैंक के साथ में एग्रीमेंट है कि 18 महीने में मुझे काम कंप्लीट करना है और उसमें 12-13 महीने तो हो चुके हैं और उसके बाद भी कोई व्यवस्था करके नहीं दे रहा है, और अगर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मेरा तो वहाँ पर लोन कैंसिल हो जाएगा और साल भर से ऊपर हो गया है इंटरेस्ट भरते भरते। पानी बिजली क्या वादा करके दिया? वहाँ उसने पानी बिजली पानी की निकासी लाइट स्ट्रीट लाइट इसकी सुविधाएं बोली थी, लाइट के खंभे लगा दिए उसने पर अभी DP लगी नहीं है। 6 महीने से DP के लिए घुमा रहा है, हर हमेशा 15 दिन का टाइम मांगता है कि 15 दिन दो मैं करके दूंगा, उसके 15 दिन अभी तक नहीं हुए, 1.5 साल हो गए इस बात को। हनुमान नगर में मेरा मकान बना हुआ है, मकान वहाँ बना हुआ है और वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। उन्होंने 15 महीने पहले बोला था कि मैं बिजली और पानी की व्यवस्था करके दूंगा, मैं उनके भरोसे पर मैंने पूरा वो मकान का काम चालू कर दिया, या लोन भी उसके हिसाब से निकाला था मैंने। अब वो पूरा अभी तक के मेरे मकान बन चुका है, अभी तक के उन्होंने बिजली पानी की व्यवस्था कुछ भी की नहीं है। अब वो 60,000 रुपये की मेरी मांग कर रहे हैं और बोले मैं व्यवस्था करके दूँगा। अब जब उन्होंने कुछ भी कोई अभी किया नहीं तो कैसा क्या करेंगे?